फोरलेन के कार्य होने से डिओट पडो में चेतराम और तिलकराज के घर में दरारें आ गई हैं। पीड़ित चेतराम ने कहा कि घर से 10 मीटर की दूरी पर सीमेंट कंक्रीट बेंचिंग प्लांट लगाया है, जिसकी वाइब्रेशन के कारण घर में भारी नुकसान हो गया है और लेंटर से बारिश का पानी टपकना शुरू हो गया है। उन्होंने डीसी महोदय से मांग की है कि हमारे घर का जो भी नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिया जाए और मिक्स प्लांट को यहाँ से हटाया जाए। फोरलेन के कार्य होने डिओट पडो में चेतराम और तिलकराज के घर में फोरलेन के कार्य से दरारें आ गई हैं। ये बात घर के मकान मालिक चेतराम ने कही। पीड़ित चेतराम ने कहा कि घर से 10 मीटर की दूरी पर सीमेंट कंक्रीट बेंच प्लाट लगाया है, जिसकी वाइब्रेशन के कारण घर में भारी नुकसान हो गया है और लेंटर से भी बारिश का पानी टपकना शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि प्लांट के लिए कंपनी ने जमीन की बहुत ज्यादा कटिंग की है, वहीं प्लांट को यहां से उठने वाली धूल और प्रदूषण फैल रहा है। हमने एफकॉन कंपनी, NHAI और DC महोदय को भी लिखित में जानकारी दी है और अभी तक इस पर कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई जा रही है। उन्होंने DC महोदय से मांग की है कि हमारे घर में जो भी नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिया जाए और मिक्सर प्लांट को यहां से हटाया जाए। कमरे में सारे ऊपर नीचे सारे लेंटर पे लेंटर फट गया, सब कुछ फट गया, यहाँ तो हमारे बुरे हाल है। लेंटर छूट रहा है जनाब, साथ भारी बरसात होने के कारण तो कभी भी गिर सकता है। इतने बाल बच्चा कहाँ लेके जाऊंगा मैं, 12 परिवार है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बेटी बीमार है, पोती बीमार, ये क्या करना। हमने इनको 10 बारी 100 बारी बोला, एक बार नहीं बोला, सुनते ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं सुनते। हमारा है घर भी इतना डैमेज हो गया, पूरा मकान हमारा, कोई भी नहीं सुन रहे हमारी। जब बंद करने को बोलते तब हमारी फाइल लॉन्च करते ही इन्होंने सोचा सिर्फ आदमी का ना जाए फायदा उठा रहे हैं ये, कोई भी कोई नहीं करता हमारी, ये क्या नाम है एफकॉन वाले। प्रशासन को भी हमने 11 तारीख दिया है, एप्लीकेशन दिया है, NHAI को भी दिया है, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब हम क्या करें, हम कहाँ जाए, या तो हमें उठाओ यहाँ से या तो प्लांट को उठाओ, दो में से एक बार। कार्यक्रम में भक्तों चलाए छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।